Assalamu alaikum students, in this lecture we will do picture practice. As we know that कि class 6 और 7 में आपके पास जो picture आती है आपने उस picture पर story write करनी होती है उस picture के according. So story write करने के लिए आपके पास picture as a hint दी जाती है. Now there are some important points to remember for writing a story. See the picture. आपने पूरी पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है, उसमें कितने लोग दिए गए हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या सिनेरियो है, वो लोग कहाँ पर मौजूद हैं और वो क्या कर रहे हैं. इन सब चीज़ों को आपने स्टोरी राइटिंग में इंक्लूड करना है. ट्राई टू राइट अ स्टोरी इन वन सिटिंग, एक ही बार में पूरी स्टोरी राइट करने की कोशिश करें. ट्राई टू क्रिएट सस्पेंस और ड्रामा इन द स्टोरी, और अगर आपकी स्टोरी में कोई मोरल है सो इट इज़ द बेस्ट स्टोरी. और पूरी स्टोरी राइट करने के बाद आपने स्टोरी को टाइटल भी देना है, लेकिन ये याद रखना है कि टाइटल हमेशा टॉप पे लिखा जाएगा स्टोरी के. टाइटल हम बाद में क्यों लिखेंगे, टाइटल बाद में इसलिए लिखते हैं कि टाइटल बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो आपने स्टोरी लिखी है. नाउ सी द पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी. सबसे पहले तो ऊपर आपने टाइटल राइट करना होता है, ठीक है. उसके बाद सेटिंग और करेक्टर, करेक्टर्स के स्टोरी में कौन कौन लोग शामिल हैं और कहाँ पर ये काम हो रहा है, सेटिंग वगैरह उसका तमाम सीन आपने बताना है, क्रिएट करना. फिर एक सेंटर का पार्ट होता है जिसमें हम बताते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है या कोई सस्पेंस या ड्रामा जो हमने है वो सेंटर में क्रिएट करना हो या स्टोरी के मिडिल पार्ट में. इन द लास्ट हमने देखना होता है कि स्टोरी एंड कैसे करनी है और सब ठीक कैसे होगा. नाउ स्टूडेंट्स, अब ये एक पिक्चर हमें दी गई है और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगी इस तरह की पिक्चर तो उस पर लिखा होगा मेक अ स्टोरी बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर. आपने इस पिक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, हमें इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं. सबसे पहले तो हम एक फैमिली देख सकते हैं, मदर, फादर और दो चिल्ड्रन, ठीक है. फिर एक कैंप नज़र आ रहा है हमें, बॉनफायर नज़र आ रही है, रात का वक्त है और ये कोई जंगल है. अब हमने पूरा सिनेरियो देख लिया है कि ये क्या क्या काम हो रहा है, करेक्टर्स हमने देख लिए हैं, सेटिंग देख ली है कि कहाँ पर ये वर्किंग हो रही है. अब हमने स्टोरी राइट करना शुरू करनी है. स्टोरी हम डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, मेरे माइंड की स्टोरी कुछ और होगी, अगर आप स्टोरी बनाएंगे तो वो डिफरेंट होगी. हम इसको बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं कि एक फैमिली कैंपिंग के लिए आई, या एक फैमिली कहीं से जा रही थी, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो उन्होंने आकर जंगल में कैंप लगा लिया, ये कुछ भी इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं. लेकिन आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो पिक्चर आपको दी गई है कि आपने पिक्चर के अकॉर्डिंग स्टोरी बनानी है. जो आपने स्टोरी बनाई है उसमें ये वाला सीन लाजमी होना चाहिए जो यहाँ में पिक्चर में शो किया गया है. अब आपकी स्टोरी में ये सीन बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ये मिड में भी आ सकता है, या ये सीन लास्ट में भी आ सकता है. किस तरह से, अब ज़रा एग्ज़ाम्पल देखें. स्टोरी मैंने राइट की है उसे पढ़ते हैं.